अग्निशमन शाखा की, जिसके कमांडर हैं श्री तुषार शर्मा, सहायक कमांडेंट। आप वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई आरटीपीपी पुरलिया में पदस्थ हैं। दसवीं और अंतिम टुकड़ी है एनसीआर सेक्टर की, जिसके कमांडर हैं श्री देवाशीष व्यास, सहायक कमांडेंट। वर्तमान में आप केएपीएस काकरापार में पदस्थ हैं। आपको आपकी सराहनीय सेवाओं हेतु वर्ष 2022 में महानिदेशक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। गुणवत्ता आधारित सुरक्षा मानकों के अनुसरण में सीआईएसएफ नित निरंतर देश के सुरक्षा वातावरण को समृद्ध करने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय संपत्ति के सजग प्रहरी के रूप में तैनात सीआईएसएफ के अधिकारी तथा जवान कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की सुरक्षा सेवा के कार्य के प्रति एकजुट हैं, प्रतिबद्ध हैं। सर्विस बिफोर सेल्फ के मूल मंत्र की तर्ज पर देश के अग्रणी व पेशेवर बल में शुमार सीआईएसएफ के जवानों की कर्तव्य परायणता तथा निष्ठा भारत की सुरक्षा नीतियों को तो समृद्ध बनाती ही है, वहीं राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता अक्षुण रखने के लिए भी सब कुछ न्योछावर करने के ध्येय से सीआईएसएफ के जवान सदैव तत्पर रहते हैं। प्रवेश नियंत्रण प्रणाली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कार्य निर्वाहक क्षमता अद्भुत है, अभेद्य है तथा उतना ही अद्भुत है यह बल, जिसने राष्ट्र की सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर सकारात्मक, स्पष्ट, अचूक परिवर्तनों के माध्यम से सुरक्षा तंत्र की हर कड़ी को मजबूत किया है। देश के सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों में सीआईएसएफ इकलौता बल है, जिसके पास विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा तकनीकी कौशल युक्त फायर दस्ता है, जिसके दायरे में 114 विभिन्न अग्निशमन इकाइयां सुरक्षित हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी सीआईएसएफ की संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भागीदारी भी उल्लेखनीय है। लोकतंत्र के महायज्ञ चुनावी कर्तव्यों तथा आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य हेतु वर्ष 2022 में बल की 238 कंपनियों को तैनात किया गया था। वैश्विक स्तर पर भी सीआईएसएफ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। काठमांडू, नेपाल तथा ढाका, बांग्लादेश स्थित भारतीय दूतावासों और काउंसलेट में भी सुरक्षा के चुनौतीपूर्ण कार्यों को कुशलतापूर्वक निभाया जा रहा है। सीआईएसएफ का इतिहास वीरता की कहानियों से भरा हुआ है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि गणतंत्र दिवस 2024 के पावन अवसर पर सीआईएसएफ के दो जाबाजों को वीर जीवन रक्षा पदक से भी नवाजा गया है। 19 मई 2023 की दोपहर में हल्द्वानी से दिल्ली जा रही एक यात्री बस खतरनाक स्पीड से हाईवे पर दौड़ती जा रही थी। इस बस में यात्रा कर रहे असिस्टेंट कमांडेंट सोनू शर्मा को समझते देर नहीं लगी कि बस में यात्रा कर रहे 55 मासूम यात्रियों की जान खतरे में है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और नशे में धुत ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से हटाते हुए चलती बस का स्टेयरिंग संभालकर मौत की इस यात्रा को जीवन यात्रा में बदल दिया। 55 यात्रियों की जान बचाने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट सोनू शर्मा को गणतंत्र दिवस 2024 के शुभ अवसर पर जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया गया है। 3 जून 2023 को नर्मदा नहर में डूब रहे एक युवा को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पदस्थापित सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर शेर सिंह सकुशल बचाने में सफल रहे। उनकी इस बहादुरी एवं कर्तव्य परायणता के लिए इंस्पेक्टर शेर सिंह को गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। आपदा तथा आसन्न मानवीय खतरों के समय मदद का हाथ बढ़ाने वाले बल के वीरों तथा वीरांगनाओं का सहृदय मानवीय रूप अत्यंत ही सराहनीय है। स्थापना दिवस परेड के मुख्य अतिथि महोदय श्री नित्यानंद राय, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का आगमन इस प्रांगण में हो चुका है। सजा संवरा यह परिसर, उम्मीदों की नई बयार, खिली हुई धूप, खामोशी के साथ कलाबाजियां करती हवाएं
इस ऐतिहासिक दिन का चश्मदीद है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय हमारे मध्य पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। सीआईएसएफ के 55वें स्थापना दिवस परेड समारोह में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सानिध्य तथा सामिप्य को पाकर संपूर्ण सीआईएसएफ परिवार अत्यंत ही हर्षित, उल्लासित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। डीजी सीआईएसएफ द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया जा रहा है। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन जनरल सलूट से किया गया। बैंड द्वारा बजाई गई धुन थी जनरल सलूट। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट चुस्त व सदे हुए कदमों से मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने हेतु आगे बढ़ते हुए। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय निरीक्षण वाहन में सवार हुए। उनके साथ हैं श्रीमती नीना सिंह, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तथा आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट। श्री नित्यानंद राय, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का जन्म 1 जनवरी 1966 को बिहार के वैशाली जिले में स्थित कर्णपुरा गांव में एक किसान परिवार में हुआ। श्री राय ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आरएन डिग्री कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की है। राजनीति तथा समाज सेवा का अनुभव आपको विरासत में मिला है। छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री राय ने वर्ष 1982 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है के सिद्धांत के अनुगामी श्री राय की नेतृत्व क्षमता तथा कार्य कुशलता के कारण आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख और विभाग प्रमुख का पदभार सौंपा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा के स्वयंसेवक के रूप में तहसील कार्यवाहक की जिम्मेदारी को भी आपके द्वारा कुशलतापूर्वक निभाया गया है। श्री राय,
1990 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के ध्येय के साथ भारतीय लोकतंत्र एवं स्वशासन की मूल इकाई पंचायत स्तर से आपने समाज सुधार तथा राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका की शुरुआत की। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के मंत्री एवं प्रदेश महासचिव के दायित्व का निर्वहन करते हुए आपने वर्ष 1998 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। वर्ष 2000 में आप हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए विधायक पद हेतु निर्वाचित हुए। बिहार राज्य की भारतीय जनता पार्टी इकाई के राज्य सचिव, महासचिव और अध्यक्ष पद को भी आपने सुशोभित किया है। श्री राय की कार्य क्षमता और पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को पहचानते हुए नवंबर 2016 में आपको बिहार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया और आपकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का निरंतर विस्तार हुआ एवं आपने जीत के नए प्रतिमान स्थापित किए। आपने बिहार राज्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक आधार का उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा राजस्थान ट्रूप्स की धुन पर इस भव्य परेड में भाग ले रही टुकड़ियों का निरीक्षण किया जा रहा है। पहली टुकड़ी सेंट्रल सेक्टर एवं डीएई डॉस सेक्टर की है, जिसके सुरक्षा चक्र में चरम वामपंथ प्रभावित किरंदुल से लेकर अंतरिक्ष एवं नाभिकीय संस्थान सुरक्षित हैं। दूसरी टुकड़ी वेस्टर्न सेक्टर की है। यह सेक्टर राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं प्रमुख बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। परेड की तीसरी टुकड़ी नॉर्थ सेक्टर की है, जो भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र बांदीपुरा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड स्थित इकाइयों में तैनात है। निरीक्षण वाहन मंथर गति से टुकड़ी नंबर 4 की ओर अग्रसर। यह टुकड़ी ईस्टर्न सेक्टर की है। धनबाद की कोयला खदानों से लेकर चरम वामपंथ प्रभावित करगली की इकाइयों को ईस्टर्न सेक्टर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। निरीक्षण वाहन पांचवी टुकड़ी की ओर अग्रसर। पांचवी टुकड़ी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप की है। यह विशेष सुरक्षा दस्ता वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के 154 विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। निरीक्षण वाहन अब परेड ग्राउंड के मध्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गौरव के प्रतीक निशान को वहन किए सीआईएसएफ वीरांगनाओं की टोली के समक्ष गुजर रहा है। छठी टुकड़ी एयरपोर्ट सेक्टर की है, जो देश भर में स्थित 68 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर तैनात है। सातवीं टुकड़ी है साउथ सेक्टर की, जो हैदराबाद से लेकर केरल प्रांत की महत्वपूर्ण इकाइयों और बंदरगाहों पर मुस्तैद है। परेड की आठवीं टुकड़ी नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर की है, जो कोलकाता से लेकर सुदूर नागालैंड के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करती है। निरीक्षण वाहन मंथर गति से चलते हुए टुकड़ी नंबर 9 की ओर अग्रसर है। नौवीं टुकड़ी अग्निशमन शाखा की है। सीआईएसएफ इकलौता अर्धसैन्य बल है, जो दक्ष, कुशल तथा विशेषतया प्रशिक्षित अग्निशमन शाखा से सुसज्जित है। वर्तमान में सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा द्वारा राष्ट्र के 114 महत्वपूर्ण अधिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रदान की जा रही है। दसवीं और अंतिम टुकड़ी एनसीआर सेक्टर की है, जो देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित इकाइयों में तैनात है, जिनमें प्रमुख है दिल्ली मेट्रो रेल तथा सरकारी मंत्रालयों वाली सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की सुरक्षा। श्री नित्यानंद राय, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, वर्ष 2000 से वर्ष 2014 तक
बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। श्री राय 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार राज्य की उजियारपुर लोकसभा सीट से प्रथम बार सांसद पद हेतु निर्वाचित हुए। आप कृषि तथा वाणिज्य पर स्थायी समिति के सदस्य भी रहे हैं। कृषक वर्ग के उत्थान हेतु किसान हित में आपके सुझाव देश की मिट्टी से आपके लगाव का द्योतक है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पारदर्शिता के लिए उचित मुआवजा पाने के अधिकार पर संयुक्त समिति के सदस्य के तौर पर वंचित वर्ग को देश की मुख्य धारा में स्थान दिलाने में आपकी अग्रणी भूमिका रही है। अनाथ बच्चों के आवास, शिक्षा तथा उत्थान के लिए आपके द्वारा किए जा रहे सफल प्रयास अत्यंत ही सराहनीय रहे हैं। सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित 3 नाबालिग लड़कियों को गोद लेकर उनकी शिक्षा से शादी तक की जिम्मेदारियों के निर्वहन से भारतीय समाज में आपके प्रेरणादायी योगदान को रेखांकित करती है। 43 पोलियोग्रस्त बच्चों को गोद लिया जाना तथा देश के उन 9 निहालों को पोलियो से मुक्ति दिलवाने में आपके सार्थक प्रयास मानव जीवन के प्रति आपकी सहृदयता का परिचायक हैं। सहज स्नेहिल विद्वान तथा कर्मठ जननायक श्री नित्यानंद राय ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निशुल्क बुक बैंक एवं निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी प्रदान की है। आपके मार्गदर्शन में रक्तदान शिविरों का आयोजन भी निरंतर किया जाता रहा है। उच्च सामाजिक आदर्शों तथा नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के साथ मातृभूमि की सेवा तथा राष्ट्र की प्रगति एवं समाज सुधार में आपका योगदान सभी के लिए प्रेरणादायी है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों के प्रति आपका अपार स्नेह तथा कल्याण की भावना को आज संपूर्ण CISF परिवार महसूस कर रहा है। निरीक्षण समाप्ति के पश्चात निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर है। दर्शक दीर्घा ने करतल ध्वनि से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। परेड निरीक्षण का दौर संपन्न कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड कमांडर ने सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का आभार प्रकट किया एवं अगली कार्यवाही के लिए परेड कमांडर अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर हैं श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट। स्थापना दिवस परेड द्वारा अब होगा मार्च पास्ट। स्थापना दिवस परेड आगे बढ़ चली है, जैसे एक नदी जिसका नाम शौर्य है। ये जन्मभूमि भी इन रणबांकुरों के अनुशासन की गवाह है।
आंखों में दृढ़ संकल्प, चेहरे पर भारतीय होने का गौरव, सूरज की रोशनी में जगमगाती वर्दी, हवा में घुले मार्चिंग बैंड के संगीत पर सीआईएसएफ जवानों की टुकड़ियों के बढ़ते कदम शांति का तराना है और साथ ही मानो तूफान का लयबद्ध नृत्य हो। ये वीर सिपाही शांति के दूत चमकते हुए हथियारों के साथ सीधी कतार में मस्तक ऊंचा करके चल रहे हैं। आज परेड ग्राउंड भी देशभक्ति का मंदिर बन गया है, जहां हर कदम राष्ट्र रक्षा के संकल्प की गवाही दे रहा है। इस अविस्मरणीय तस्वीर को कोई भूल ना सकेगा। हर दिशा से शेर की दहाड़ जैसा नारा सीआईएसएफ जिंदाबाद गूंज रहा है। सीआईएसएफ के महिला बैंड दस्ते की धुन अमर सेनानी, भारत के जवान तथा सारे जहां से अच्छा की ताल पर हृदय का स्पंदन शब्दों में बयां हो रहा है। गर हो जन्म दोबारा भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो चमन मिले, सौभाग्य देश हित हो फिर प्राण का हवन, अंतिम समय अधर पर जय हिंद हो वचन, फिर तीन रंग वाले ध्वज का कफन मिले। संपूर्ण परेड सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड के सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट तथा उनके अनुसरण में परेड 2IC श्री सिद्धार्थ पॉल उप कमांडेंट। मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन के साथ सभी टुकड़ियां आत्मनिर्भर नव भारत के पथ पर अग्रसर हैं। कुछ लक्ष्यों की तरफ सिर्फ कदम उठा लेना ही श्रेयस्कर होता है। सामंजस्य में पिरोए गिरते उठते पदचापों की थाप विश्वास दिलाती है कि सीआईएसएफ के मजबूत कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा अक्षुण्ण है। देश प्रेम, साहस व राष्ट्रहित में सर्वस्व न्योछावर करने की महत्वाकांक्षा लिए परेड में भाग ले रहे प्रतिभागी देश के उज्जवल भविष्य में अपने योगदान की प्रतिबद्धता अंकित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सजी हुई टोलियां और सामंजस्यपूर्ण कार्यवाही, अनुशासन, तालमेल, एकाग्रता तथा संयम का अनूठा बिंब, सुसज्जित पोशाकों में कतारबद्ध बल के साहसी जवान तथा वीरांगनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर नुमाया कर रहे हैं। भारत के समर्पण एवं बलिदान के गौरवमयी इतिहास के परचम को थामे अग्निपथ पर बढ़ते सीआईएसएफ के योद्धा,
कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी भी झुके नहीं हैं। हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना है। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम। परेड की एक खूबसूरत कार्यवाही समीक्षा क्रम में आने से पूर्व परेड द्वारा मध्य सज की कार्यवाही की जा रही है। देशों के सरताज भारत की धुन पर परेड समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई। अब मैं महानिदेशक महोदया से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। माननीय महानिदेशक महोदया। माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी, सचिव उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार, महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ प्रशासन एवं पुलिस के सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधि, सीआईएसएफ परिवार के मेरे साथियों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, सीआईएसएफ के 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का आरटीसी भिलाई परिसर में स्वागत करती हूँ। उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सीआईएसएफ परिवार का मनोबल बढ़ाया। मैं पूरे सीआईएसएफ परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी विशिष्ट अतिथियों, अधिकारीगण और मीडिया प्रतिनिधियों का भी स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस पर समारोह की शोभा बढ़ाई। आप सभी की उपस्थिति ने हमारे बल के सम्मान और प्रतिष्ठा को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। सर्वप्रथम मैं सीआईएसएफ के उन वीर सपूतों का स्मरण करती हूँ जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। कर्तव्य पथ पर इन 55 वर्षों की सीआईएसएफ की यात्रा में अब तक कुल 127 बल सदस्यों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सभी बलिदानियों को मेरा शत शत नमन। आज की इस भव्य परेड का प्रदर्शन निश्चित तौर पर उच्च स्तरीय था और परेड में शामिल सभी बल सदस्यों का टर्नआउट, जोश,
अनुशासन व तालमेल भी अद्वितीय था। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी के महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रेरित होकर सीआईएसएफ के इतिहास में पहली बार महिला बैंड और महिला निशान टोली को स्थापना दिवस परेड में शामिल किया गया है। मैं इस परेड में शामिल सभी बल सदस्यों एवं अधिकारियों को हार्दिक बधाई देती हूं। साथ ही वे सभी अधिकारी एवं प्रशिक्षक जिन्होंने इस शानदार परेड के आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि सीआईएसएफ का 55वां स्थापना दिवस हमारे प्रथम प्रशिक्षण केंद्र आरटीसी भिलाई में मनाया जा रहा है। वर्ष 1975 में इस्पात नगरी भिलाई में इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई और तब से आज तक इस केंद्र ने सीआईएसएफ के करीब 43,000 बल सदस्यों को प्रशिक्षण दिया है। इसमें कांस्टेबल डीडी, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ट्रेड्समैन एवं कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर शामिल हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के इन सर्विस कोर्सेज भी आयोजित किए जाते हैं। इस संस्थान में राजस्थान पुलिस एवं आरपीएफ के बल सदस्यों के लिए भी बुनियादी प्रशिक्षण एवं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल कोर्स भी कराए गए हैं। यह सीआईएसएफ का एकमात्र ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जहां मोटर ट्रेनिंग स्कूल भी स्थित है। इस प्रशिक्षण केंद्र के अतिरिक्त भिलाई में सीआईएसएफ की अन्य कई महत्वपूर्ण यूनिट्स भी स्थित हैं, जैसे सेंट्रल सेक्टर हेडक्वार्टर्स, भिलाई स्टील प्लांट, थर्ड रिजर्व बटालियन आदि। वर्ष 1969 में अपनी स्थापना के पश्चात सीआईएसएफ सशक्त बल के रूप में उभरा है और भारत के संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2023 में बल को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम जैसे प्रतिष्ठित हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ जम्मू एवं कश्मीर स्थित संवेदनशील कारागृहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई है। वर्तमान में सीआईएसएफ देश भर की 358 यूनिट्स, जिसमें कि 68 अति संवेदनशील एवं संवेदनशील एयरपोर्ट भी शामिल हैं, को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हमारी जीरो एरर सिक्योरिटी की प्रतिबद्धता नायाब है। हम एयरपोर्ट पर रोजाना यात्रा करने वाले 10 लाख यात्रियों को समग्र संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हवाई अड्डों की सुरक्षा के समान ही दिल्ली मेट्रो पर भी हमारे बल सदस्य प्रतिदिन लगभग 71 लाख यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज सीआईएसएफ देश में वाणिज्य और व्यापार के सुचारू प्रवाह में अमूल्य योगदान दे रहा है। इन वाणिज्य एवं व्यापार के सुचारू प्रवाह में अमूल्य योगदान दे रहे 14 प्रमुख बंदरगाहों को भी सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस, इस्पात, कोयला, अंतरिक्ष एवं एटमिक संयंत्र, दिल्ली मेट्रो, राजधानी के महत्वपूर्ण शासकीय भवन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे राष्ट्रीय धरोहर एवं अन्य सर्वोपरि महत्व के प्रतिष्ठानों को भी बल अटूट सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ की स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप 154 विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व भी बखूबी से निर्वहन कर रहा है। सीआईएसएफ देश का ऐसा अनूठा बल है जिसके पास अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित एवं आधुनिक उपकरणों से लैस फायर विंग भी है। संपूर्ण देश में 114 विविध उपक्रमों में रणनीतिक रूप से तैनात बल की फायर विंग ने पिछले वर्ष 3,287 आग लगने की घटनाओं का सफलतापूर्वक शमन किया, जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों से लगभग 58.88 करोड़ रुपए की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया जा सका। हमारे फायर विंग के बल सदस्य न केवल प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि समय समय पर अनेकों विपदाओं के दौरान आम नागरिकों के अनमोल जीवन की रक्षा भी कर रहे हैं। आज सीआईएसएफ परंपरागत उद्योगों की चारदीवारी में अपराध नियंत्रण के सीमित दायरे से निकलकर जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा गुरेज, उरी
एलडब्ल्यूई प्रभावित बायोम बचेली, बायोम किरंदुल जैसी चुनौतीपूर्ण इकाइयों को सुरक्षा दे रहा है। हम वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 52 इकाइयों में भी तैनात हैं। एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो एवं अन्य महत्वपूर्ण संयंत्रों की सुरक्षा की सशक्त व्यवस्था के बीच हमारा एक मानवीय चेहरा भी है। हमारे CPR ट्रेन्ड बल सदस्य एयरपोर्ट एवं दिल्ली मेट्रो में मेडिकल आपात की दशा में यात्रियों की जीवन रक्षा भी करते हैं। हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों पर व्यक्तिगत वस्तुओं के गुम होने या भूल जाने की संभावना एक सामान्य घटना है। CISF यात्रियों को उनके कीमती सामान की पुनः प्राप्ति में सहायता कर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। विगत वर्ष CISF ने एयरपोर्ट एवं मेट्रो पर यात्रियों की भूलवश छोड़ी गई या खोई हुई लगभग 65 करोड़ रुपये की संपत्ति को उन्हें वापस दिलाया। वर्ष 1999 में बल को भारत सरकार द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया। बल अब तक 228 विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को परामर्श सेवा प्रदान कर चुका है, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, महाकालेश्वर मंदिर एवं महाकाल लोक उज्जैन शामिल हैं। परामर्श सेवाओं के माध्यम से अब तक भारत सरकार के कोष में लगभग 16.5 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं। CISF ने आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए तथा बल की कार्यशैली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तथा ऑर्डिनेंस इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर को भी विकसित करने की पहल की है। अपनी कार्यकुशलता से उत्कृष्ट कर्तव्य निष्पादन के फलस्वरूप आज बल की मांग आंतरिक सुरक्षा एवं चुनाव ड्यूटी के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। विगत वर्ष CISF की लगभग 442 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा एवं चुनाव ड्यूटी के दौरान विभिन्न राज्यों में तैनात की गईं। इसके अतिरिक्त G20 महासम्मेलन के दौरान भी बल की कुल 24 कंपनियां सुरक्षा हेतु तैनात की गईं। खेल के क्षेत्र में भी हमारे बल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2023 में ह्वांगजो चीन में आयोजित एशियाई खेलों में CISF की कबड्डी खिलाड़ी सुश्री अक्षिमा ने महिला कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। श्री किशोर कुमार जेना ने भाला फेंक स्पर्धा में 87.54 मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक हासिल किया। यह भी यह हर्ष का विषय है कि श्री किशोर कुमार जेना ने अपने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन और अटूट जज्बे ने CISF को और देश को बेहद गौरवान्वित किया है। मुझे इस अवसर पर आप सभी को यह बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष कुल 10,741 अराजपत्रित बल कर्मियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इनमें 274 सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, 934 ASI टू सब इंस्पेक्टर, 4,786 हेड कांस्टेबल टू ASI एवं 4,747 कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल बनाए गए। हमारा लक्ष्य है कि आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा बल सदस्यों को पदोन्नति प्रदान कर बल में उच्च स्तर को के मनोबल को बनाए रखा जाए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विगत वर्ष निशा हैदराबाद में आयोजित CISF दिवस परेड के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी ने हमारा मार्गदर्शन कर दिशा निर्देश दिए थे। हम पूरी लगन से उन सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। हम देश के आर्थिक संसाधनों के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करके भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगी कि CISF ने भारत सरकार की सामाजिक व मानवीय सरोकार वाली अनेक योजनाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। स्वच्छ भारत अभियान में बल की सभी इकाइयों व संस्थानों ने लक्ष्य आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण अभियान, वृहद वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण जैसे कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता लगातार जारी है। वृहद वृक्षारोपण के अभियान के तहत वर्ष 2023 में हमने गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक, लगभग 10.76 लाख पौधे लगाए। यह बल के लिए गर्व का विषय है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने बल की स्वीकृत संख्या 1,80,000 से बढ़ाकर 2,00,000 कर दी है। इसमें एक महिला बटालियन भी स्वीकृत की गई है। मैं आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री की हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने बल की कार्य दक्षता पर विश्वास जताते हुए बल की संख्या में बढ़ोतरी की। मैं आज इस मंच के माध्यम से भारत सरकार और हर देशवासी को यह आश्वासन देती हूँ कि CISF का प्रत्येक बल अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की भावना से निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प और हमारी मेहनत यह सुनिश्चित करेगा कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने वाले सभी महत्वपूर्ण व संवेदनशील प्रतिष्ठान हर खतरे से पूर्णतः सुरक्षित रहे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सदा विकास की ओर अग्रसर रहे। हम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आभारी हैं, जिन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया है। हम दूरदर्शन और अन्य चैनलों के आभारी हैं, जिन्होंने स्थापना दिवस समारोह का प्रसारण एवं प्रचार कर देश भर के दूर दराज के इलाकों में स्थित हमारी इकाइयों में तैनात बल सदस्यों, उनके परिजनों तथा अन्य नागरिकों को कार्यक्रम देखने का अवसर प्रदान किया। मैं सभी बल सदस्यों के परिवारजनों को उनके समर्पण और त्याग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक बार पुनः माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का इस समारोह में उपस्थित होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमें हर्ष है कि आप सभी का अपार समर्थन हमें मिला, और मैं आशा करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन और समर्थन हमें आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदया। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि जिन बल सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस 2023 तथा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा पदक से पुरस्कृत किया गया है, उन्हें पदक प्रदान कर अलंकृत व सम्मानित करने की कृपा करें। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्रीमती शिखा गुप्ता, महानिरीक्षक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग फोर्स हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली। श्रीमती गुप्ता। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री अजय कुमार, उप महानिरीक्षक CISF इकाई CGBS नई दिल्ली। श्री कुमार। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री पुष्कर सिंह रावत, उप कमांडेंट सेवानिवृत्त। श्री रावत। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री बेनी वर्गेस, निरीक्षक सेवानिवृत्त।
श्री वर्गीस। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री पुलिन मित्रा, सहायक उप निरीक्षक सेवानिवृत्त श्री मित्रा। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल श्री साबेला वेंकट रेड्डी, उप कमांडेंट CISF इकाई RAPS रावत भाटा श्री रेड्डी। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल श्री देवेंद्र सिंह, उप कमांडेंट CISF पूर्वी सेक्टर हेडक्वार्टर्स रांची श्री सिंह। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल श्री हरबंस लाल, सहायक उप निरीक्षक CISF इकाई RAPS रावत भाटा श्री लाल। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल श्री CH वेंकटेश्वरलू, सहायक उप निरीक्षक CISF इकाई NTPC कुडगी श्री वेंकटेश्वरलू। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल श्री देवेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक CISF इकाई NHPC झाकरी श्री सिंह। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल श्री सुरेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक CISF इकाई KHEP तेहरी गढ़वाल श्री सिंह। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर बल के वार्षिक प्रकाशन CISF सेंटिनल 2024 एवं CISF के चित्रमयी संकलन कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर CISF परिवार को कृतार्थ करने की कृपा करें।
धन्यवाद महोदय। अब मैं परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रांगण में स्थित नव निर्मित मोटर ट्रेनिंग स्कूल तथा कुल 73 आवासों वाली 3 आवासीय इमारतों का वर्चुअल इनॉग्रेशन अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आप सभी का ध्यान परेड मैदान में लगी स्क्रीन्स की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी द्वारा आज दिनांक 12 मार्च 2024 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भिलाई में नए मोटर प्रशिक्षण स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आरटीसी भिलाई केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एकमात्र वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है। नए मोटर प्रशिक्षण स्कूल भवन का निर्माण 10,80,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। यहाँ 4 कार्यालय, 2 लेक्चर हॉल, 1 कार्यशाला तथा 10 कमरों में विभिन्न वाहनों के कट सेक्शन मॉडल तथा सिमुलेटर की व्यवस्था की गई है। इस नव निर्मित प्रशिक्षण भवन की उपलब्धता से आरक्षक चालक एवं आरक्षक डीसीपीओ के बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा चालक रिफ्रेशर कोर्स, बुनियादी वाहन मेंटेनेंस कोर्स तथा चालकों के प्रमोशन कैडेट कोर्स के संचालन में विशेष सुविधा प्रशिक्षण स्तर में गुणात्मक वृद्धि हो सकेगी। इससे चालकों के कौशल विकास में मदद मिलेगी। माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी द्वारा आज दिनांक 12 मार्च 2024 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भिलाई में नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया है। महोदय द्वारा उद्घाटित 73 नए आवासीय भवनों की 2 बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में कुल 21,88,00,000 रुपए की लागत आई है। टाइप 3 के 17 और टाइप 2 के इन 56 आवासों में प्रत्येक में 2 कमरे, 1 हॉल, 1 रसोई तथा पर्याप्त वायु और प्रकाश के लिए 3 बालकनी का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से आरटीसी भिलाई का आवास संतुष्टि अनुपात 31% से बढ़कर 51% हो जाएगा। महोदय, आपके इस कल्याणकारी सहयोग से बल के सदस्य इस प्रशिक्षण केंद्र में अपने परिवार को साथ रखकर बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुनिश्चित करा सकेंगे। अब मैं महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी से अनुरोध करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आईएसएफ के 55वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मंच पे उपस्थित श्रीमती नीना सिंह जी महानिदेशक सीआईएसएफ, उपस्थित अतिथिगण एवं अधिकारीगण, राज्य सरकार के पुलिस प्रमुख से लेकर सभी उनके अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सीआईएसएफ के बहादुर जवानों, उनके परिजन एवं देवियों और सज्जनों तथा मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो सीआईएसएफ के 55वें स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं बल के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं
देता हूँ। आज का यह महत्वपूर्ण दिन हमें शक्ति, अनुशासन और समर्पण के अद्भुत प्रदर्शन का साक्षी होने का अवसर प्रदान करता है। सबसे पहले मैं सीआईएसएफ के ऐसे जवानों अधिकारियों को जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस देश के लिए अपनी आहुति दी है, बलिदान दिया है, वैसे सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और उनके परिवारजनों को भी मैं देश की तरफ से उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको भी हम सादर नमन करते हैं। आज की इस भव्य परेड में प्रदर्शित अनुशासन, लगन एवं समर्पण ने यह दर्शाया है कि आप अनुशासित भी हैं, उत्साही भी हैं और आप में देश के प्रति समर्पण की ललक भी है। सीआईएसएफ का गौरवपूर्ण विरासत का प्रतीक है और हमारे महान राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करने वाले साहसी प्रहरियों द्वारा प्रदर्शित दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मैं तो कभी कभी किसी घटनाओं का जब मैं समीक्षा करता हूँ तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है। मैं ऐसे ही एक मुंबई के एक रसायन इकाई में गैस जब लीक हो रहा था, हमारे सीआईएसएफ के जवान वहाँ तैनात थे। आभास हो गया था कि वहाँ जाने का मतलब है जान को जोखिम में डालना ही नहीं, लगभग लगभग जान को आहुति दे देना है। तब भी वहाँ जो उस एरिए में हमारे सीआईएसएफ के जवान 8 तैनात थे, उस इकाई पे ज़्यादा थे, लेकिन जो स्पॉट था जहाँ से पाइप लीक हो रहा था उसके आसपास 8 जवान थे। मैं किसी की यह नहीं कह रहा कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन सीआईएसएफ ने नहीं सोचा, 8 के 8 जवान कूद पड़े और उसमें से कैसा हुआ क्षण होगा अपने साथियों को पीछे रखकर आगे जाकर उस गैस जो लीक हो रहा था उसको रोकने की, यह जानते हुए कि मैं शायद बचकर नहीं आऊं। और इस तरह हमारे कोई रुका नहीं, 8 साथी बढ़ते गए, एक दूसरे को रोकते गए, मैं जाऊंगा, लेकिन 8 के 8 गए और वहाँ 3-4 अपने सीआईएसएफ के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस पाइप से हो रहे गैस लीक को रोका और सैकड़ों की जान बचाई। दो भाव था वहाँ, एक अपना कर्तव्य, दूसरा था साथियों की चिंता, तीसरा था देश प्रेम और अन्य सभी जो वहाँ लगे थे उनके जान को बचाने की एक तमन्ना। यह एक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है। तो यह आपका समर्पण बलिदान हमेशा सिर्फ सीआईएसएफ के लिए ही नहीं, हम देशवासियों के लिए भी, या देश के ऐसे प्रहरी जो दिन रात देश सेवा में, देश सुरक्षा में लगे रहते हैं, सीआईएसएफ का ऐसा उदाहरण उनको भी प्रेरणा देता है। आज यह गर्व का विषय है कि सीआईएसएफ में महिला कर्मियों का प्रतिशत अन्य सभी केंद्रीय पुलिस बलों के मुकाबले सर्वाधिक है। आज महानिदेशक महोदया बता रही थी कि 20,000 सीआईएसएफ के शक्ति बल को बढ़ाने का निर्णय सरकार ली है, उसमें 1 बटालियन महिलाओं का है। और जो यहाँ मैं परेड के क्रम में मैंने प्रयास किया कि हम अपने सारे नौजवानों के चेहरों को मैं जरूर परखने की बात तो मैं नहीं कर रहा,
लेकिन एक एहसास दिलाने की कोशिश किया था माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से और माननीय गृह मंत्री जी की ओर से कि हम आपके साथ हैं और तत्परता से हम आपके साथ हैं। और उस बटालियन में जब बहनों की बटालियन के पास गए तो उनकी जो चेहरे का जो भाव था लग रहा था हम किसी से कम नहीं। और मैं तो कभी कभी महिलाओं के हमारी जो बहनें तैनात ड्यूटी पे रहती है उसका कभी कभी हम उदाहरण देते हैं। एक समय ड्यूटी पे हमारी कुछ बहनें तैनात थी, उसको पता था कि बिहार के देश के गृह राज्य मंत्री हमारे बगल से गुजर रहे हैं, नोटिस भी नहीं लिया, अपनी ड्यूटी पे ही ताकती रह गई। और मैं उसको बुला के मैंने अपने साथ चाय पे बुलाया, मैं एक घंटा ज़्यादा रुका, आधे घंटे बाद उनकी ड्यूटी समाप्त होनी थी। और इस तरह से जो आपकी तत्परता है उसको मैं भी सैल्यूट करता हूँ। सीआईएसएफ के एक ये दुर्जय महिलाएं न केवल अपने पुरुष समकक्षों की तरह सभी निर्धारित मानकों पर खड़ी उतर रही है बल्कि उनसे भी आगे कदम बढ़ाते हुए निडरता के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना भी कर रही है। सीआईएसएफ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के उस उद्देश्य को जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 10 वर्ष पहले ही अपने संकल्प में और अपने दृष्टिकोण में कहा था कि नारी सशक्तिकरण के बिना हम इस देश को न सशक्त बना सकते हैं न हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और सीआईएसएफ का यह संकल्प महिलाओं को प्राथमिकता देने की, हम सीआईएसएफ के पूरे परिवार को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को और माननीय गृह मंत्री जी की इस इच्छा को आप तत्परता से पूरी कर रहे हैं। आज गर्व का विषय है कि आज सीआईएसएफ की पहली महिला बहन नीना जी आज महानिदेशक के रूप में सीआईएसएफ के लगभग 2 लाख लोगों को ही कमांड कर रही है। सिर्फ कमांड ही नहीं कर रही है, 2 लाख अपने सीआईएसएफ के जवानों को प्रेरणा दे रही है। आज यह दर्शाता है कि हम प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विगत वर्ष भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्थापना दिवस समारोह को हम सिर्फ दिल्ली में ही आयोजित नहीं करेंगे, हम देश के विभिन्न कोनों में करेंगे और इसका लाभ मिलता है। हम दिल्ली में राजधानी अपनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम देश के विभिन्न कोनों पर इस प्रकार के अपने स्थापना दिवस के परेड को या समारोह को जब आयोजित करते हैं तो आज वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के अन्य इकाइयों के अधिकारियों का, आज हम जब गुजर रहे थे तो जो बच्चों का उत्साह देख रहे थे, मैं तो चला था कि अपने वरिष्ठ जनों को प्रणाम करूँगा, अपने अधिकारियों के उस यहाँ के इस परेड में उनके समक्ष दिखूँगा, उनको देखूँगा, लेकिन जो बच्चों का उत्साह था मुझको तो लगा कि वैसे बच्चों को मैं बार बार उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, जो शायद यह परेड के कारण जो उनको देखने को मिल रहा है और उनके जीवन की बुनियाद जहाँ से शुरू हो रही है एक अनुशासित सीआईएसएफ के इस स्थापना दिवस से, वह जरूर कुछ न कुछ यहाँ से खुशियाँ लेकर जाएंगे और वैसे बच्चे जो समझ पा रहे हैं वैसे कुछ न कुछ संकल्प लेकर ही जाएंगे। इसलिए दूर दराज दिल्ली से भी स्थापना दिवस मनाना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पहल के तहत छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई स्थित सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र में एकत्रित हुए हैं। हम भिलाई वासियों को भी और छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को भी हम इसके लिए आज यहाँ इस स्थापना दिवस पर उनको भी आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि आज सीआईएसएफ के इस भिलाई स्थित इस प्रशिक्षण केंद्र में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस में आज उत्साह से आप भाग ले रहे हैं। और मैं एयरपोर्ट पे था तो एयरपोर्ट पे आम नागरिक की चर्चा हो रही थी कि सीआईएसएफ का आज रेजिंग डे, मुझको बहुत खुशी हुई, मुझको पहचानते नहीं होंगे, मैं चल रहा था मुझको, लेकिन जो उनका
उनका बात हो रहा था, तो सीआईएसएफ के लोग जब चल रहे थे तो हाँ उन लोगों ने जो आपस की जो बातचीत थी उनकी, आज सीआईएसएफ का रेजिंग डे, तो इसका तो लाभ मिलता ही है। सीआईएसएफ की स्थापना दिवस के साथ साथ देश के औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा में एक नई युग की सूत्रपात भी। और मैं तो माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में आपदा प्रबंधन का भी काम देखता हूँ, और जब खास करके समुद्री इलाकों में जब तूफान की सूचना होती है तो वहाँ सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि वहाँ सीआईएसएफ के कितने जवान हैं, जबकि वहाँ एनडीआरएफ रहती है, इंडिया और स्टेट की एसडीआरएफ भी रहती है, अलर्ट रहती है, लोकल प्रशासन अलर्ट रहते हैं। एक बार हमसे कहा गया कि आप जब आप आता है तो आप पूछते हैं कि सीआईएसएफ के कितने लोग हैं, वो क्या करेंगे, तो मैं उनसे कहा कि सीआईएसएफ के लोग हर परिस्थिति में सुरक्षा करना जानते हैं, कोने कोने में अपने कर्तव्य। जब हम जो आर्थिक आयाम को जो प्राप्त कर सके हैं उसको सुरक्षित रखें और आगे के लिए कदम बढ़े, उसके लिए भी सुरक्षा जरूरी है। जो चीज़ हम प्राप्त करते हैं उसको भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी, चाहे वह बंदरगाह हो, परमाणु वो आंतरिक संस्थान हो, कोयला हो, इस्पात हो, तेल एवं ऊर्जा क्षेत्र की इकाइयाँ हो, सरकारी भवन हो, दिल्ली का मेट्रो हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो। सीआईएसएफ की अभेद सुरक्षा कवच में पूरी तरह सुरक्षित है और आज देश को विश्वास दे रही थी महानिदेशक मैडम, उनके साथ मैं भी देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की ओर से, और ऐसे सारे लोगों को जो सीआईएसएफ से उम्मीद रखे हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सीआईएसएफ है तो आप निश्चिंत रहिए, जो सीआईएसएफ के दायरे में है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी उनको सौंपी गई है वह अभेद्य है, उसको न कोई छू सकता है न कोई नष्ट कर सकता है। नष्ट होने वाला नष्ट हो जाएगा, छूने वाला धरती के नीचे चला जाएगा। आज हम इस देश को यहाँ से आश्वस्त करना चाहते हैं। आप सजग हैं, आपकी बहादुरी की प्रशंसा भी देश करता है और यह सुनकर सरकार को भी गर्व महसूस होता है। सीआईएसएफ योजनाबद्ध तरीके से नवीनतम प्रौद्योगिकों को भी प्रशिक्षण का हिस्सा बना रही है। यह बार बार जब हम इसकी चर्चा करते हैं इसलिए कि बढ़ते हुए चुनौतियों के साथ आज हमारा प्रशिक्षण चुनौतियों के मुताबिक आज के इस आधुनिकता के दौर में आधुनिक तरीके से हम किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त लैस रहे, परिपूर्ण रहे, इसकी सरकार चिंता कर रही है। और सरकार, गृह मंत्रालय, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री जी के अगुवाई में जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्प यह है कि हम आपको परिपूर्ण करें, जो जरूरत हो उसको हम पूरी करें। आज स्थापना दिवस पर हम सरकार के इस वचन को, संकल्प को आपके सामने उल्लिखित करते हैं कि हम आपकी परिपूर्णता का हर संभव प्रयास करेंगे और हम किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। सीआईएसएफ ने 103 बहुमूल्य जीवन बचाए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, कोविड काल ही था लेकिन आवागमन शुरू हो गया था, यातायात हवाई अड्डों के माध्यम से हवाई यात्राएं शुरू हो गई थी। कितना विश्वास है सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को। एक परिवार का काफ़ी बुजुर्ग महिला और पुरुष एयरपोर्ट से यात्रा कर जाने वाले थे, और या उनका एयरपोर्ट था हैदराबाद, और हैदराबाद से उस परिवार को आना था दिल्ली, और उनके परिवार के लोग रहते थे दिल्ली। कोविड में उनके माता पिताजी उनके हैदराबाद में अवस्थित अपने मकान में थे। मैंने यहाँ पैरवी किया कि सीआईएसएफ को बोल दीजिए, कितना विश्वास है, जरा गौर से सुनेगा इस बात को। मैंने उनको यह नहीं कहा कि मैं पैरवी करूँगा, मैंने उनको कहा कि निश्चिंत रहिए, और निश्चिंत रहने का हमने जो वचन दिया था, मैंने आपको सूचना नहीं दी थी, लेकिन आप का वह निष्ठा हम जानते थे कि सीआईएसएफ है, तो चाहे कोई भी हो,
चाहे वो हमारा दिव्यांग हो या हमारे सीनियर सिटीजन हो, एयरपोर्ट पर उसको सेवा की जरूरत होगी तो CISF को पैरवी और किसी के कहने की जरूरत नहीं है। और मैं आज गर्व से कह रहा हूँ कि वह परिवार CISF को देखकर पहुंचा, उसको कोई सूचना नहीं मिली थी मंत्रालय से, और CISF के जवान व अधिकारियों ने उसको खूब मदद की और मुझको धन्यवाद दिया कि मैंने आपको कहा और हमारे माता पिता को वहाँ सहयोग मिला। मैं उनको कहा कि आइए मैं बताता हूँ, चाय पिलाता हूँ। CISF पर भरोसा था, आपकी बात मैंने सुना, आपकी बात मैंने सुनी और मैं जानता था कि CISF वहाँ मौजूद है तो वह यह काम को करेगा। यह है CISF। आपके पास श्वान दस्ते के 9 स्कॉट और बम निरोधक दस्ते की भूमिका भी आपके साथ है और आपको वह काफ़ी मदद देता है। मौके पर स्थानीय पुलिस ऑपरेशनों में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए सख्त कानून बनाए और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की भी स्थापना की है, जो आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद विरोधी दल बनने की दिशा में काम किया है। आतंकवाद से देश को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन आज देश आश्वस्त है। मोदी जी की सरकार के प्रति आज देश आश्वस्त है कि देश से नक्सलवाद आतंकवाद समाप्त हो रहा है, आगे आने वाले कुछ समय में नामो निशान उसका मिट जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति से केंद्र सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और CISF को भी इस प्रकार की जिम्मेदारियां दी जाती है और उसमें भी आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, काम करते हैं। भारत सरकार का वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों को साकार करने की दिशा में भी CISF प्रतिबद्ध है। पहले की जो आपकी परीक्षाएं होती थी हिंदी अंग्रेजी में होती थी, लेकिन अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसका लाभ है, हम जब अपने कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स की कोई भी इकाई में हम जाएं तो हमको पूरे भारत का दर्शन हो, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा में वह परीक्षाओं में भाग लें। दूर दराज के लोग इस देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हिंदी अगर समझते भी है तो लिख नहीं सकते, अंग्रेजी समझते हैं तो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या कुछ हिंदी समझते भी नहीं है, कुछ अंग्रेजी समझते भी नहीं है। वैसे लोगों के लिए जरूरी था, उनके मन में जो यह ललक थी कि हम भी देश की सेवा में, हम CISF में आए, भारत के पैरामिलिट्री फोर्स में सम्मिलित होकर हम देश की सेवा करें, उसके मन की आकांक्षा और अभिलाषा रह जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी के साथ परीक्षाओं को आयोजित होने का निर्णय देकर, आयोजित करने का निर्णय देकर उन्होंने इस देश में विभिन्न भाषाओं को प्रतिष्ठा ही नहीं दिया है। देश की सेवा में जो भी चाहे वह सेवा दे सकता है, इस रास्ते को उन्होंने सरल किया है। वृक्षारोपण के विषय में अभी बताया गया, 5 करोड़ से ज़्यादा गृह मंत्रालय ने लक्ष्य रखा था अपने पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, और CISF ने अपने लक्ष्य से ज़्यादा किया है, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हो, चाहे घर घर तिरंगा का हो, चाहे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आपकी यात्रा का हो, सफलतापूर्वक करना। आपने जो जिम्मेदारी ली थी उसको आपने, उस जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन किया है। भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान CISF के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर क्या व्यवस्था आपने की थी? उस हवाई अड्डों पर कुछ देशों को रिसीव करने का मुझे मौका मिला, क्या आपने व्यवस्था की थी? मैंने उस व्यवस्था को देखकर सब लोग खुश भी हो रहे थे और कुछ लोग आश्चर्य भी कर रहे थे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना, जटिल आर्थिक परिदृश्य और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद साकार हो रहा है, यह है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि यह देश आत्मनिर्भर होगा। मोदी की गारंटी है कि हम विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी
कि 21वीं सदी भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई नंगा होगा, न कोई बेघर होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा। आज 21वीं सदी है। विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरे करने की गारंटी यही है, मोदी की गारंटी। और विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के नाच और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी नाम है नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, उस नरेंद्र को 21वीं सदी में हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। 21वीं सदी में भारत विश्वगुरु बने, माने प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उसमें सीआईएसएफ सहायक है, वह जो काम कर रहा है उसको करते रहना है और आगे बढ़कर करना है। जब 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है तो विकसित होगा ही होगा ही होगा। और दुनिया का प्रति व्यक्ति आय 2047 में प्रति व्यक्ति आय भारत का होगा, भारत का होगा। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया बोल रही है। और उसमें सीआईएसएफ आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है, महत्वपूर्ण संस्थानों की जिम्मेवारी है और यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आज आपको इसके लिए तत्परता से काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे और जिस लगन से आप कर रहे हैं उस लगन के साथ आगे करते रहेंगे, यह इस देश को विश्वास भी है। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ की आधुनिक क्षमताओं और अधिक विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करने में पूर्ण सहयोग देगा। पहले भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जब भी आप सबों की चर्चा होती है तो इसकी चर्चा करते हैं। और गृह मंत्री जी का बार बार कहना है कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने सभी सीएपीएफ और राज पुलिस को साथ लेकर आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। आपको साथ लेने का, कोऑर्डिनेशन करने का जो अनुभव है उसको भी मैं सराहना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए चिंता का विषय रहे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, 3 सेक्टर में हिंसा में बहुत कमी आई है और लोगों का विश्वास बढ़ा है और अलगाववाद और आतंकवाद फैलाने वाले आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। और इसके लिए बार बार माननीय गृह मंत्री जी आप सबकी प्रशंसा भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत लगभग 35 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड वितरित किए गए हैं और देश भर के लगभग 24,000 अस्पतालों में जवानों और उनके परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में आवास योजना के तहत भी हाउसिंग संतुष्टि का रेशियो बढ़ा है। और अभी मैडम से बात हो रही थी, महानिदेशक महोदया से, तो बता रही थी कि पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ा है और वह बढ़कर 45% हो गया है। और मैं आपको सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की ओर से कि आगे भी यह निरंतर आपकी संतुष्टि बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको आवासीय सुविधा दे सके, ऐसा कैंपस दे सके जिसमें आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो। अंत में एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा और आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप जिस वर्दी को धारण करते हैं, आप से मैं पूछना भी चाहता हूँ कि अगर किसी अनजान जगह में मैं जाऊँ और मेरे साथ सीआईएसएफ का कोई जवान जो अपने वर्दी के साथ जाए, हम दोनों प्यासे हों और उस घर वालों से पीने के लिए पानी मांगे
एक गिलास वह पानी लेकर आएगा तो किसको देगा? मैं भारत का गृह राज्य मंत्री हूँ, मुझको नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ नहीं देगा, वह आपको देगा। इसलिए वह आपकी वर्दी की विशेषता है, वैशिष्टता है, आपकी वह विशेष पहचान है, और यह पहचान आपके लिए गर्व का विषय है और आपके जीवन को धन करने वाला है, जो आपको प्रेरणा भी देता है और ऊर्जा भी देती है, और देश को भरोसा है आप पर, और पानी मुझको नहीं आपको देगा, यह आपकी विशेषता बनी है तो ऐसे नहीं बनी। आपने समर्पण दिया है, बलिदान दिया है, परिश्रम किया है, समुद्र की गहराइयों में तैरा है, बर्फीली रेतों पर रेगा है, आप रेगिस्तान की तपती धूप में आपने अपने को जलाया है, तपाया है, कड़क की ठंड में भी आपने वहाँ अपने किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा है, तब जाकर आपकी यह पहचान है। इसलिए आपका जीवन धन है, और जो इस वर्दी को धारण करता है देश उसको सलाम करता है, मैं भी आपको सलाम करता हूँ। आप अपने जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आप जिस पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस समर्पण का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह आपका दिन रात बढ़ता ही जाए, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं, और हर सफलता जो आप चाहे वह सफलता सीआईएसएफ के कदमों में हो, यह हमारी शुभकामना है। देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से 55वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत आप सबों को बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। आप सभी से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में परेड कमांडर के कमांड के उपरांत अपने स्थान पर खड़े हों तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। सीआईएसएफ के गौरव के प्रतीक निशान को थामे आगे बढ़ती सशस्त्र टोली महिला बल सदस्यों से सुसज्जित है। साथ ही यह प्रथम अवसर है जिसमें 60 सदस्य महिला बैंड दस्ते से सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड शोभायमान है। शाश्वत एवं नवीन भारत की सहगामी हिंदुस्तान की नारी शक्ति को हम नमन करते हैं। और अब बारी है परेड कूच करने की। परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट मुख्य अतिथि महोदय से परेड कूच करने की आज्ञा लेने हेतु सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Thank you.
मुख्य अतिथि महोदय से परेड कूच करने की आज्ञा लेने के पश्चात परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट क्रिच को थामे सधे हुए कदमों से वापस अपने स्थान की ओर अग्रसर। परेड कमांडर द्वारा परेड ट्वाइसी को परेड की बागडोर सौंपी जाएगी। परेड अब विसर्जन के लिए तैयार है। बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन विजय घोष पर परेड सिलसिलेवार एवं अनुशासित तरीके से विसर्जित हो रही है। नवीन भारत के धीर वीर गंभीर और अचल भारत माँ के सपूत श्रेष्ठ एवं सबलोक हितेशी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी से इंच भर भी नहीं हिचकेंगे, इस भरोसे से आगे बढ़ते हुए। सहिष्णुता की इस धरती ने अनेक संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के विकास हेतु आदर्श वातावरण प्रदान किया है। इसका अद्भुत उदाहरण यह स्थापना दिवस परेड। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रणबांकुरों का यह समूह मानवता के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु स्वयं को समर्पित कर रहा है। संरक्षण एवं सुरक्षा CISF की परिभाषा है। हम विकास की दीपशिखा, संघर्ष हमारी भाषा है। हम उद्योगों के रखवाले, सदा सजगता हमारा गान। शौर्यशील गाथाओं का हम करते हैं अविरल निर्माण। बंदरगाह, हवाई अड्डे, मेट्रो हो या इस्पात, अति विशिष्ट जन की हो सुरक्षा या राष्ट्र धरोहर की हो बात। कंधे हैं मजबूत हमारे, हम नवल धवल प्रत्याशा हैं। CISF है हम, CISF है हम, भारत की हम आशा है। हम विकास की दीप शिखा, संघर्ष हमारी भाषा है। विभिन्न प्रदर्शनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रस्तुत है CISF की महिला कमांडोज द्वारा भारत की विभिन्न प्राचीन मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दर्शकों, इन्हीं मशहूर पंक्तियों के साथ